हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम 12 खड़ी लिखना सीखेंगे। अगर कोई बच्चा या कोई बड़ा भी हिंदी सीखना चाह रहा है, अगर उसे 12 खड़ी समझ में अच्छी तरह से आ गई तो वो हिंदी को बहुत ही आसानी से सीख जाएगा, मीन्स उसको लिखना और पढ़ना। देखिए, हिंदी वर्णमाला में दो भाग होते हैं, स्वर मीन्स आ से अ तक और व्यंजन का से ज्ञा तक। जो ये स्वर होते हैं, इन्हीं की मात्राएं व्यंजनों पर लगाई जाती हैं, और इस तरह से एक एक व्यंजन को हम 13 अलग अलग रूप में लिख और पढ़ सकते हैं। जैसे क है, उसे हम 13 तरह से लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, एक एक व्यंजनों की मतलब सॉरी एक एक स्वरों की मात्राएं लगा के। देखिए, स्वर जो री की मात्रा होती है उसको जो है 12 खड़ी में नहीं लिखा जाता है, और इस तरह से एक एक अक्षर को हम 12 रूप में अलग अलग लिख सकते हैं, इसी वजह से इसे 12 खड़ी कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला व्यंजन होता है क। अब इस पे सभी मात्राओं को लगा करके लिखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहला व्यंजन है क। क का की कु कु के कै को कौ कन क। देखिए, ये का को 12 रूप में अलग अलग लिखा और पढ़ा गया है। इसी तरह से सभी व्यंजनों को हम सीक्वेंस में लिखते और पढ़ते जाएंगे। आ से अ तक की सभी मात्राओं को देखिए एकदम सीक्वेंस में ऐसे लगाया गया है एक एक अक्षर पे। देखिए, री की मात्रा इसमें नहीं आई है, तो इसी वजह से जैसे ये 12 तरह से क को अलग अलग लिखा गया, इसी वजह से इसे 12 खड़ी कहा जाता है। क के बाद आता है अक्षर ख। ठीक है, तो ख को लिखते हैं। ख ख खि खी खु खू खे खै खो खाओ खन ख। ख के बाद आएगा ग। ग गा गि गी गु गु गे गए गो गौ गन ग। ग के बाद अक्षर घ आता है। घ घा घी घी घु घू घे घै घो घौ घन घ। घ के बाद अंगा आता है, पर अंगा का अंगा का यूज इसमें 12 खड़ी में नहीं आएगा, मीन्स अंगा को नहीं लिखा जाएगा। अंगा पे अंगा और री पे देखिए कोई मात्रा ऐसे भी नहीं लगाई जाती है। ठीक है, घ के बाद फिर हम लिखेंगे च को। च चा चि ची चु चू चे चै चो चौ च।
चन, चह, च के बाद छ, ठीक है, छ, छ, छी, छी, छु, सॉरी छु, छु, छे, छे, छो, छो, छन, छ, ज, ज, जि, जी, जु, जू, जे, जय, जो, जो, जन, ज, जा के बाद आएगा झ, ठीक है, सॉरी झ, झ, झी, झी, झू, झू, झे, झे, झो, झो, झन, झ, झ के बाद आता है टा। वैसे तो ई आती पर यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लगाई जाती है, तो इस वजह से उसके बाद हम लिखेंगे ट। देखिए ट, ट, टी, टी, टू, टू, टे, टे, टो, टो, टन, ट, ट के बाद ठ, ठ, ठा, ठी, ठी, ठु, ठु, ठे, ठे, ठो, ठो, ठन, ठ, ठ के बाद ड, ठीक है, ड, ड, डी, डी, डु, डू, डे, डे, डो, डो, डन, ड, डा के बाद ढा, ढक्कन जिससे होता है, लिखेंगे ढा का, ढ, ढा, ढी, ढी, ढु, ढू, ढे, ढे, ढो, ढो, ढन, ढ, ढा के बाद त, ठीक है, त, ता, ति, ती, तु, तू,
ते तय तो तव तन तह। ता के बाद आएगा अक्षर था होगा, देखिए थ था थी थी थु थू थे थै थो थौ थन थ। थ के बाद द, द दा दि दी दु दू दे दै दो दौ दन दह। द के बाद आएगा ध, ध धा धि धी धे, अरे सॉरी धु। एक एक मात्राओं को लगाते हुए एक एक अक्षर पे चले जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। धु धू धे धै धो धौ धन ध। धा के बाद अक्षर ना आता है, ठीक है, तो ना को लिखेंगे इसी तरह से न ना नि नी नु नू ने नै नो नौ नंग न। ना के बाद अक्षर प आता है, ठीक है, प तो प पा पि पी पु पू पे पै पो पौ पन प। पा के बाद अक्षर फा आएगा, ठीक है, फ फा फि फी फु फू फे फै फो फौ फन फ। फ के बाद अक्षर ब आएगा, बा को लिखेंगे इसी तरह से ब बा बि बी बु बू बे बै बो बौ बन ब। बा के बाद अक्षर भ आएगा, भ सॉरी भ भा भी भी भु भू भे
भय, भो, भव, भन, भ। भा के बाद अक्षर म आएगा। म, मा, मि, मी, मु, मू, मे, मैं, मो, मौ, मन, मह। मह के बाद, माँ के बाद सारी य, य, या, यि, यी, यु, यू, ये, ये, यो, यो, यन, यह। या के बाद अक्षर रा आता है, रा को लिखेंगे इसी तरह से, र, रा, रि, री, रु, रू, रे, रे, रो, रो, रन, रह। रा के बाद अक्षर ला, ठीक है, ला को लिखेंगे, ल, ला, लि, ली, लु, लू, ले, ले, लो, लो, लन, ल। ला के बाद व, ठीक है, व, वा, वि, वी, वु, वू, वे, वै, वो, वो, वन, वह। वह के बाद अक्षर श आता है, श, जिसे शलगम होता है, श, शा, शि, शी, शु, शू, शे, शय, शो, शौ, शन, श। शा के बाद अक्षर आएगा शा, जिस, ठीक है, इसे भी शा बोलते हैं, बट इसका यूज थोड़ा कम होता है, इससे षटकोण होता है, देखिए पा की तरह से ये, तो ये श, शा, शि, शी, शु, शू, शे, शय, शो, शो, शन, शह। शा के बाद सा, ठीक है, सा, देखिए शा था दो, ये सा है, सा, सा, सि, सी, सु, सु, से, से, सो,
सौ, सन, सा। सा के बाद अक्षर हा आता है, हा, ठीक है, उसे लिखते हैं, हा, हा, ही, हु, हु, हे, है, हो, हाओ, हन, हा। हा के बाद अक्षा, छा बोलते हैं इसे, छा, छा, छी, छी, ये जल्दी से बोलेंगे, गलती से मैंने वैसे ही बोल दिया, छी, छी, छू, छू, छे, छे, छो, छो, छन, छ। छ के बाद अच्छा आप इसको कहते हैं, छ के बाद आता है त्र, ठीक है, त्र संयुक्त व्यंजन, अच्छा त्र और ज्ञा ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, मीन्स दो व्यंजनों से मिलकर के बने होते हैं, इसमें दो का साउंड निकलता है, जैसे अच्छा इसे बोला जाता है, इसी तरह ता और रात्र, देखिए त्र, त्र, त्रा, त्रि, त्रि, त्रु, त्रु, त्रे, त्रय, त्रो, त्रो, त्रन, त्र। त्र के बाद आता है अक्षर ज्ञा लास्ट, ठीक है, ज्ञा, 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 गी, गी, ग्यू, ग्यू, गे, गए, ग्यो, ग्यो, ज्ञान, ग्या, ये पूरा आज से अब तक सभी 12 खड़ी हो गई। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको इससे एक एक मात्रा क्लियर नहीं हो सकती, हो पा रही, समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरे चैनल पे सभी मात्राओं का एक एक अलग से डिटेल में क्लास मैंने सिखाया है, डिटेल में क्लास अपलोड है, आप उससे देख करके सीख सकते हैं। ओके, बाय बच्चों।